हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम थोड़ा निकले थे, वैसे आज मेरा थर्ड डे है कनाडा में। कल तो यार मैं ब्लॉग बिल्कुल बना नहीं पाया था क्योंकि परसों, जैसा आपको पता, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। कल यार मैं अपने सिम के लिए गया था, मैं सोचा था यार ब्लॉग बनाऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा, बट यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो यार मैंने जो सिम के टाइम पर मिस्टेक करी थी सिम के बनवाने के टाइम पे, वो मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको मत करना, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा यार आज ही पे एक ब्लॉग बना लेते हैं अपने सिम का भी, जहां मैं अपने कल की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड सबसे पहले जो आपका सिम होता है वो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, ये आपको कैनेडा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, मतलब इसके बिना आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप आओगे आपके लिए दो तीन चीज़ मैंडेटरी होती है। एक तो सिम में भी आपने अपना इंडिया से ही ले लिया होगा क्योंकि मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि आपको इंडिया से सिम कैसे मिलेगा। दूसरा, जब आप कनाडा आते हो आपको अपने GIC का अकाउंट ओपन कराना होता है, ओके, बट उसके लिए आपको पहली से अपॉइंटमेंट ले लेनी होती है जिससे आप आसानी से आप उसी टाइम पर जाओ और अपना करवा लो, बिना अपॉइंटमेंट को आपका आने नहीं देते, उसकी भी वीडियो डाल चुका हूँ। अब आया तीसरी चीज़ सिम, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। सिम नंबर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, यहाँ पर आप किसी को भी नहीं दोगे, केवल अपने एम्प्लॉयर को दोगे, उसके अलावा आप किसी को भी नहीं दे सकते। तो बिना उसके आप कहीं पर काम नहीं मिलेगा। पहले यार ये रोड क्रॉस कर लेते हैं, यार यहाँ पर क्रॉस करनी होती है तो यहाँ पर देखोगे आप ऐसे बटन लगे होते हैं, वहाँ पर अभी आपको हाथ दिख रहा होगा, अब यहाँ पर चलने का ऑप्शन आ गया, मतलब हम चल सकते हैं। अभी आपको हाथ दिख रहा है दोबारा कि 9 सेकंड भाई कि इतना टाइम है आपके पास। तो ये सीन रहता है यहाँ पर रोड क्रॉस करने का। ठीक है, हाँ हम बात कर रहे हैं सिम की। सिम के लिए आपको अब क्या करना होता है, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है जिस भी दिन आपको जाना, बट सैटरडे और संडे को सर्विस बंद रहता है तो आपको सिम नंबर मिलता का यार ये मिलता है आपके सर्विस कैनेडा में। हर एक आपकी सिटी में सर्विस कैनेडा का ऑफिस होता है, वो आप गूगल पर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको जाना है और वहीं पर आपको अपना सिम नंबर, जब आप अपने सिम नंबर के लिए जा रहे हो यार, एक तो बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में निकलना है यार, सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हो गई थी। मैं वहाँ पर पहुँचा था अराउंड 9:30 पर, तो वहाँ पर लाइन ऑलरेडी बहुत थी और हर एक को अटेंड करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो चीज़ बताते हैं। इसलिए मुझे यार 9:30 बजे पहुँच के लाइन में लगा, उसके बाद मैं जब फ्री हुआ यार हुआ था 2:30-3 बजे के करीब, जो सीरियसली बहुत ज़्यादा था यार, इतना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिनका ऑफिस है वो 8:30 बजे खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है, तो आप अराउंड साढ़े सात बजे तक जाके लाइन में लग जाना, जिससे आपका आप मोस्ट प्रॉबली मतलब यार 10 बजे तक आप फ्री हो ही जाओगे फॉर श्योर, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ये भी मैंने 10 ज़्यादा बता दिया, आप 9:30 बजे तक मे भी फ्री हो जाओगे, तो यार इससे आपको बहुत टाइम सेव होगा। तो यार ऐसा बिल्कुल मत करना जो मैंने गलती करी थी कि भाई मैं लेट पहुंचा था, मैंने कहा था ठीक है यार। और सिम नंबर के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है आपका अपना स्टडी परमिट और पासपोर्ट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता, बस ये डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स ही वो मांगते हैं। बस ये पूछते हैं कि भाई आप पहली बार बनवा रहे हो या आपका पहले भी है, तो आप बोल दो कि हम पहली बार बनवा रहे हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट सिम नंबर। अरे देख लो हल्के से यहाँ के, ये हमारा हो गया स्टारबक्स, यार यहाँ धूप इतनी, वैसे यार अब तो यहाँ इतनी धूप ज़्यादा हो रही है भाई साहब, इससे अच्छा तो अपने रूम पे ही चल लूँ। देखो यार बिल्कुल मतलब सूरज सिर पर खड़ा है, यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है यार, दो मतलब अभी धूप निकल रही है तेज, अभी बारिश हो जाएगी फिर धूप निकल जाएगी, कोई भरोसा नहीं है इस एरिया का जहाँ पर हूँ। सो आई कांट से वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग आई कैन से फॉर श्योर। ठीक है तो यार अभी अपने रूम पे जाता हूँ, आपसे देखते हैं, या तो शाम को मिलते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।
आपको किसी दिन लगे यार डाउनटाउन डाउनटाउन चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ भाई कि क्या क्या सौदा है, क्या क्या दुकानें हैं, ठीक है ना। हरियाली ही हरियाली। यार मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ऑडियो जंगल।